नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा वन प्लस के एक नॉर्ड सी टू लाइट फ़ोन के बैक कवर की। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन का नाम काफ़ी बड़ा है तो लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। आज मैं आपको इसी फ़ोन की एक कवर लेकर आया हूं जिसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं और आपको इस कवर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन कैसा लगता है, कितने का है और ये कवर आपको कब लेना चाहिए। और अगर आपको ये कवर पसंद नहीं आ रहा तो आपको इसके लिए कौन सा कवर लेना चाहिए। आज मैं आपके सामने पहले तो इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करूंगा जो मैंने कवर मंगाया है, जो कि ये दोस्तों वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट। दोस्तों ये जो कवर है काफ़ी अच्छा है, तो चलिए दोस्तों मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं। ये कवर आपको फ़ोन के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इसकी लुकिंग कैसी आती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जी मैंने कवर मंगाया फ्लिपकार्ट से, जिसको मैंने ओपन भी कर लिया था, मोबाइल के ऊपर लगा कर भी देख लिया था, बट फिर भी मैं आपको एक अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह का बॉक्स आया था और इसके अंदर दोस्तों ये कवर है, बट जो कवर इस तरीके से नहीं आया था, जो कवर आया था दोस्तों एक पॉलीथिन में, जिसको दोस्तों मैंने फेंक दिया। पर दोस्तों हमें मतलब है कवर से, तो ये कुछ कवर इस फिर आज क्या है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए अभी इसके ऊपर एक पिन्नी लगी हुई है जिसको मैंने अभी हटाया नहीं है। देखिए आपको इस तरह से दिख रहे होंगे जो दोस्तों इस गिलास के ऊपर है, जिसको मैंने अभी हटाया नहीं है। इसको मैं हटाता हूँ फिर आपको दिखाऊँगा। ये देखिए तो मैं हटाता हूँ दोस्तों पिन्नी को। तो देखिए जिस ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कुछ, जिसको मैं हटाता हूँ, अब देखना दोस्तों इसकी क्वालिटी। देखिए एकदम दोस्तों आपको कांच की तरह दिख रहा होगा, बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं दिख रहे होंगे। और दोस्तों जो हल्के फुल्के स्क्रैच दिख रहे हैं, जो दोस्तों स्क्रैच नहीं है, जो धूल मिट्टी है, इसको मैं साफ करता हूँ। तो ये देखिए जी काफ़ी अच्छा कवर है दोस्तों, इसमें आपको कैमरा भी कवर हो जाएगा। और अभी दोस्तों जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, जो रिकॉर्डिंग की जा रही है वन प्लस के 9 प्रो से, जिसकी क्वालिटी आप मुझे बताना कि कैसी क्वालिटी है इस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी की। चलिए ये फ़ोन है मेरे पास वन प्लस नॉर्ड सी ई टू लाइट 5G। चलिए बॉक्स इसको अप्लाई करता हूँ मैं, देखते हैं कैसी फिटिंग आती है। तो दोस्तों देखिए इस कवर को लगाने के बाद आपका जो फ़ोन है पहले से भी काफ़ी अच्छा देखने लगेगा। और कैमरे की क्वालिटी दोस्तों देखिए एकदम सेफ हो चुकी है और आपके जो कैमरे हैं उनकी भी लुकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। एक एक पोर्ट दोस्तों यहाँ पर अच्छी बारीकी से कट किया गया है, काफ़ी अच्छी कटिंग की गई है। सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर कटिंग दी गई है। यहाँ दोस्तों ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए कटिंग सही है, नीचे दोस्तों काफ़ी अच्छी कटिंग की गई है। और यहाँ दोस्तों आपका जो साइड में फिंगरप्रिंट होता है उसके लिए भी दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छी कटिंग की गई है। देखिए देखो तो काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग दी गई है, कवर काफ़ी अच्छा है। अब मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ इसकी प्राइस की। तो दोस्तों ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है 150 रुपये का। अगर आप इसे अपने लोकल मार्केट से लेते हो तो ये आपको 120-130 के आसपास मिल जाएगा, बट दोस्तों मैंने इसको 150 रुपये का फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। ख़रीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जबकि दोस्तों मैंने 150 रुपये का इसको ऑफ़र में लिया है। अगर आप इसको बाई करोगे तो आपको ये 200 से 250 रुपये का समथिंग मिलने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको ये कवर चाहिए तो आप इस वीडियो से इसकी फ़ोटो खींच सकते हो, रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी मार्केट से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में दोस्तों लोकल मार्केट में ये कवर होते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल जाते हैं, 100 से 150 के समथिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।